आप देख रहे हैं SJM न्यूज़, मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीख शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो मेरा विषय है, आज के लगभग सभी अखबार में एक न्यूज़ लगी है। देखिए फ्रंट के ऊपर अहमदनगर शहर का नाम भी बदल दिया गया, पुण्य शलोक अहिल्या देवी नगर रखा गया है। इससे पहले औरंगाबाद का नाम भी उन्होंने तब्दील किया है, उस्मानाबाद का नाम धाराशिव रखा है। और इसके ऊपर क्योंकि अब जैसे अहमदनगर का नाम सामने आया तो एक महाराष्ट्र की राजनीति में एक ज़बरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। अब इसको लेकर ख़ास करके महाराष्ट्र के जो मुसलमान हैं और महाराष्ट्र में वो मुसलमान जो अहमदनगर के हैं, क्योंकि उनके शहर का नाम बदली हो रहा है, औरंगाबाद के मुसलमान परेशान हैं, उस्मानाबाद के नाम के लोग परेशान हैं कि भाई आप ये गलत हो रहा है, ये हो रहा है। तो देखिए अब वक्त आ गया है कि मुसलमानों को भी अब थोड़ा सा जहन कुशादगा करना पड़ेगा, क्योंकि 75 साल में अगर हम बारीकी से हर चुनाव का जायज़ा ले, चाहे कॉरपोरेशन हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, हर बारी को सेकुलर पार्टियों ने या कुछ अन्य पार्टियों ने अलग अलग चेहरे बताकर, अलग अलग पार्टियों का नाम बताकर मुसलमानों को वर्गलाने का काम किया, उनको धोखा देने का काम किया, उनको जज्बात में लाने का काम किया, और वो उसमें इतने कामयाब रहे कि आज उनके 75 साल हो गए। बस ऐसी जज्बाती विशूस, जज्बाती नारे। अभी एक बार फिर ये नाम आ गया है, अहमदनगर का नाम बदली हो गया। तो अब जो भी शहरों के नाम बदली हो रहे हैं, शायद आप मेरी बात से मुत्तफिक ना हो, मैं तो समझता हूँ कि शायद 99% मुसलमान मेरी बात से मुत्तफिक हो ही नहीं सकते, लेकिन कुछ कड़वी बातें, कुछ सच्ची बातें ऐसी रहती हैं जो आज आप आज नहीं मानते हैं लेकिन कल आप खुद मान जाते हैं कि हाँ मैं मानने को तैयार हूँ। मैं फिर से बात को दोहरा रहा हूँ, कुछ सच्ची बातें, कुछ कड़वी बातें ऐसी होती हैं, कुछ कड़वे फैसले ऐसे होते हैं जो आप आज तस्लीम नहीं करते, चिल्ला पुकार करते, रोड पर आते हैं, जो भी आपके इख्तियारात है, अधिकार है, उसको इस्तेमाल करते हुए रोड पे आते, जो भी है, लेकिन जब बड़े फैसले हो जाते तो आप खुद अपने मुंह से बोलते कि हाँ ये फैसला हमको मंजूर है। इसकी अगर सबसे बड़ी मिसाल अगर हिंदुस्तान में अगर हम ले तो बाबरी मस्जिद की शहादत से लेकर कई साल तक हमारा जो धरना मोर्चा चला उसको भी हम देख सकते हैं। उसके बाद हाईकोर्ट का फैसला, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आखिरी फैसला था, यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर फैसला हुआ बाबरी मस्जिद का। फैसला बहुत लंबा चौड़ा है, अखबार में आया है, सबको मालूम है, मैं कुछ और उसमें डिटेल बताकर टाइम ज़ाया नहीं करूँगा आपका। सिर्फ 2-3 बातें उसने बड़ी काम की है, सुप्रीम कोर्ट ने आस्था का जिक्र करके फाइनल कर दिया, और जो भी चंद बातें थी उसके अंदर, लेकिन उसमें लफ्ज़ आस्था का भी आया। और पूरे 25 करोड़ मुसलमान भारत के, उन्होंने बोले ठीक है सुप्रीम कोर्ट आपने फैसला दे दिया, हमने मान लिया। ये नहीं कहने का मतलब क्या है, हालांकि हमारी जो आदरणीय सुप्रीम कोर्ट है उनके जजमेंट में जैसा कहा जाता है, जैसा हमने टीवी के चैनलों पे देखा है, अखबार में छपा, उसको पढ़ा है, उसकी बुनियाद पे ये कह रहा हूँ, उसमें लिखा हुआ है कि साबित ही नहीं हुआ कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। और दूसरी बात यह है कि आस्था पे दे दिए, यानी कि मंदिर को तोड़ा नहीं गया और तोड़ के मस्जिद बनाई नहीं गई, ये सबसे बड़ी इसमें मेन बात है पूरे फैसले में। बहुत लंबा चौड़ा फैसला है वो, उसने जो बुनियादी बातें हैं और उसमें आस्था का जिक्र है। तो अब जब ये सुप्रीम कोर्ट के जब उसमें आ गया कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई और प्लस आस्था की बुनियाद पर फैसला दे दिया गया राम मंदिर के हक़ में, तो 25 करोड़ मुसलमान खामोश हो गए। तमाम इस्लामी संगठन, तमाम इस्लामी लीडर्स, छोटी बड़ी पार्टियाँ सब खामोश हो गए। सबने बोले भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, बात ख़त्म हो गई। कहने का मतलब क्या है कि अल्लाह के घर से बड़ा हर मुसलमान के नज़दीक एक मस्जिद से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। ये कुरान शरीयत और हमारी अल्लाह का घर यानी कि मस्जिद, उससे बड़ा कोई मामला पूरी दुनिया में हैश नहीं, ना कोई वक्त का इमाम है,
ना आलिम है, ना मुफ्ती है, ना कोई संगठन है, ना कोई मुसलमान बड़े से बड़ा सरबरा है इस नहीं। अल्लाह उसका रसूल और अल्लाह का घर। तो कहने का मतलब ये है, जब वो फैसले को आपने बड़े अच्छे अंदाज से, शायस्तगी के साथ, अदब एहतराम के साथ, बड़े आपने चिल्ला पुकार करे, थोड़ा बहुत उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपने क्या बोला आखिरी में, सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम, ये आपके अल्फाज है, ये तमाम मुसलमानों के लीडरान के अल्फाज है। बाद में उन्होंने इसका इजहार, दुख का इजहार भी किया कि हमारे साथ नासाफी वगैरह वगैरह, लेकिन कुल मिला के बात क्या निकल के आती कि आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कबूल कर लिया, यानी अल्लाह का घर। अब ये जो नाम है बदली हो रहे, ये अहमदनगर या औरंगाबाद, अब ये क्या मायने रखता, अल्लाह के घर के सामने ये नामों की क्या अहमियत। अब बहुत से लोग कहेंगे नहीं हमारी शिनाख्त का मसला है, तो बाबरी मस्जिद कौन सी शिनाख्त का मसला था, क्या बाबरी मस्जिद से ज़्यादा इस्लाम में कोई बहुत बड़ी शिनाख्त है क्या, है तो ज़रा मुझे बताइए ज़रा कमेंट करके कि फला फला फतवे में, फला उसमें क्या हदीस में लिखा हुआ है कि अल्लाह के घर यानी इस मस्जिद से बड़ी कोई शिनाख्त मुसलमान की हो सकती, नहीं हो सकती। तो आपने उसको कबूल कर लिया, जब उन्होंने देखा यार ये फैसला आ गया, इन्होंने बड़ा अदब एहतराम से कबूल कर लिया, तो भाई आप क्यों ना ये सिलसिला भी शुरू किया जाए। समझ रहे बात को आप, कहने का मतलब ये है कि आप जो अब बदली हो रहे, जैसा नाम जैसा बदली हो रहा है, अहमदनगर है, औरंगाबाद है, उस्मानाबाद है, अभी मुसलमान चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। अब सिर्फ मैं बहुत शॉर्टकट में और रफ एंड टफ में पूरे देश के मुसलमानों को, इस्लामी संगठनों को, उनके सरबराहों को और हमारे जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं अलग अलग पार्टी उनको अब एक ही राय दूंगा, क्योंकि छोटा मुँह बड़ी बात मेरी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन क्या करें, जब बड़े बड़े लोगों की जब अकले जब मार जाती है तो भाई किसी को से बोलना पड़ेगा ना। आप ये थोड़ी देखेंगे यार वो अकलमंदी के बाद बच्चा कर रहा है बुढ़ा कर रहा, एक तरफ 100 लोग हैं जिनके बाल सफ़ेद हो गए उनकी अकल काम नहीं कर रही, और एक 10 साल का बच्चा जिसको हम आमतौर से लौंडा पोटा बोलते अगर वो काम की बात कर रहा, वो अगर सही बात कर रहा, तो फिर आपको चाहिए कि उसकी बात को मान ले, ये सच्चाई है। अब कहने का मतलब क्या है, मुसलमानों को एक ही चाहिए। अब यहाँ से हमारी शरीयत, हमारा कुरान, हमारा इस्लाम, हमारी मस्जिदें, हमारे कब्रस्तान, हमारी खानखाएँ, हमारी दरगाहें, हमारा वक्फ बोर्ड, इसके ऊपर आप काम करो, आप इसके ऊपर काम करो। अब ये नामों का मसला ऐसा हो गया, जैसा मैं आपको एग्जांपल दे रहा, एक आदमी है उसकी शादी होकर 20-30 साल हो गए, उसको बच्चे नहीं हो रहे, क्या हो रहे उसको बच्चे नहीं हो रहे, आखिर में क्या करता जानते, बोले यार मेरे को बच्चे नहीं हो रहे या मेरे में बच्चे पैदा करने की सलाहियत नहीं है, तब एक काम करते बच्चा गोद ले लेते। फिर वो जैसा कल्चर रहता है, मुसलमान रहे तो बिस्मिल्लाह करता, नान खलिया बनाता, बिरयानी बनाता, अदर समाज का रहा तो उसके धर्म के हिसाब से जो भी तरीके कार्य करता, एक खुशी का इजहार करता, मिठाइयाँ बांटता, उसको फूल का हार देता, उसका नाम रखता, ये भाई ये बच्चा है, इसका फला फला नाम ये है और आज से इसका बाप मैं हूँ। तो वैसे ही हमारे इस शहरों के नाम के साथ भी हो रहा, शहर बसाने की ताकत नहीं है, शहर बसाने की सलाहियत नहीं है, शहर पैदा नहीं कर सकते नए बना के, तो अब क्या करना, अब ताकत ही नहीं है, चलो भाई ये अहमदनगर को गोद ले लेते हैं, औरंगाबाद को गोद ले लेते हैं, उस्मानाबाद को गोद ले लेते हैं, बेटे आज से तेरा नाम ये, अब क्या करते इसको, अब क्या करते। अरे भाई उनके पास अब एक नए शहर पैदा करने की बनाने की ताकत नहीं है, सलाहियत नहीं है, तो उसमें मुसलमान कसूर नहीं है ना, नहीं है कसूर। अब उनकी अपनी मानसिकता है, ठीक है आप ये बोल रहे कि वो मुस्लिम शिनाख को मिटा रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, तो अब इस पर ज़्यादा आप वो मत करो, आप बदल दो और क्या, हिंदुस्तान में बदल दो, क्या बदलने का बदल दो। लेकिन जो 4-5 चीज़ें मैंने आपको बोला, इसके ऊपर आप बहुत मनसोबंदी के साथ, बड़े जामी अंदाज से, बड़े जमहूरी अंदाज से, बड़े लोकशाही अंदाज से आप बात कीजिए, सरकार से बात करो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो,
आपको क्या करना है करो बोलना भैया, अब जो हो गया हो गया, हमने जो बर्दाश्त कर ली कर ली, अभी हमारे सात आठ चीज़ें है, सात आठ चीज़ें है। मैं एक बार और रिमाइंड करके बता दूँ, हमारी मस्जिदें, हमारे कब्रस्तान, हमारा इस्लाम, हमारी शरीयत, हमारी तरीक़त, हमारी मारिफत, हमारा वक्फ बोर्ड, हमारी खानकाहें, हमारी दरगाहें, और भी जो हमारी जो ऐसे जो हमारे जो जिसकी शिनाख्त मज़हब से जुड़ी हुई है, नाम से नहीं मज़हब से, अजमेर शरीफ रहमतुल्लाह अलैह, ये हमारी एक मज़हबी शिनाख्त है, क्योंकि वो एक नेक बुजुर्गानदीन वली अल्लाह के वली है, और अल्लाह के वली अल्लाह का दोस्त होता है, तो गोया उनसे हमारी नस्बत जुड़ी हुई है ईमान की। तो ये चीज़ों पे आपको इसके ऊपर आप फोकस करना पड़ेगा। बोल दो, शायद आप मुझे बोलेंगे अंदर साहब आपको रोज़ा लग गया यार, शायद या कोई बोलेंगे उनको धूप लग गया यार बहुत, लेकिन सच्चाई है। अब आप सोच रहे हैं यार मैं ये बोल रहा क्यों, सवाल तो ये भी आ रहा होगा ना, आप ये बोल रहे क्यों, ऐसा क्यों, ये उल्टे बातें कर रहे क्यों। भाई मसला ये है, क्योंकि ये सेकुलरिज्म जो है ना, इस सेकुलरिज्म के पीछे एक बहुत बड़ा फिरका परस्ती का चेहरा छुपा हुआ है, शुरू से था ये। लेकिन हो रहा क्या था, एक कड़ू गोली थी, एक कड़ू गोली थी, नहीं गोली आती डॉक्टर लिख के देता, तो उसके ऊपर एक वो आता, देखो परत परत बोलते परत, वो रहती मीठी और अंदर रहती कड़ू, उसको वो इसलिए मीठी देते कि खा लेना, मुंह में रखे तो मीठा लगना, निगल लेना, और अंदर क्या है कड़ू। तो ऐसे सेकुलरिज्म की गोली जो है ना, ये मीठी थी मीठी ऊपर से और अंदर कड़ू, जहर जहर थी जहर। और हम मुसलमान हर 5 साल में लोकसभा के टाइम, विधानसभा के टाइम, कॉरपोरेशन के टाइम, MLC के टाइम, ग्राम पंचायत टाइम, पता नहीं कौन से चुनाव के टाइम, हम मीठे गोलियाँ खाते रहे, खिलाने वाले भी मुसलमान और खाने वाले भी मुसलमान। आप क्या करते हैं, और बोल रहे भी उनके पास शफा है, शफा है, बोले क्या क्या शफा है, सियासी एतबार से तो पूरा बांध काम हो रहा था, और वहीं जा रहे इलाज के वास्ते, डॉक्टर बदली नहीं कर रहे। हालांकि तरीका क्या होता, एग्जांपल आप बीमार है, बीमार है 6 महीने से इलाज चल रहा, साल भर हो गया, तो आप किसी के पास गए, यार क्या बात है यार बहुत बीमार दिख रहे साल भर से, क्या बात है, तो दोस्त क्या करता मोहब्बत में, कहाँ इलाज चल रहा, उन्हें फला फला डॉक्टर नाम देता, तो दोस्त क्या बोलता, अरे वहाँ कहीं को जा रहे यार, एक काम करो ना तुम, ये है ना तुम उसके पास जाओ, एक नंबर डॉक्टर है, एक नंबर हकीम है, इन उन्हें क्या राय देता, हकीम बदली करो, डॉक्टर बदली करो, अब हमदर्द रहता बदली करो, तो वहाँ जाते और अल्लाह के नाम से इलाज भी हो जाता। ऐसा होता है नेचुरल तौर पर, हमारे पास सिलसिला चला ही नहीं, 75 साल से मुसलमान बीमार बढ़ते गया, बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, पूरा जिस्म मतलब इतना फालिश का असर होता है, फालिश का असर, कुछ नहीं कर सकते। ऐसा इस सेकुलर पार्टी ऐसी गोलियां खिला रही थी हमको, ऊपर से मीठा अंदर से कड़ू, कि मुसलमान जो बड़ा बड़ा तो शरीर था ताकतवर, वो ढीला पड़ते गया, वो इतना ढीला पड़ते गया, हवा मारी बोलते ना ऐसा हो गया, आज ये हाल होगा हवा मारी गई। मगर दुख इस बात का है कि मुसलमानों के अंदर जो उस टाइम जब लीडर हुआ करते थे 50-60 साल पहले, इन्होंने डॉक्टर बदली नहीं करे, वहीं जा रहे। अब डॉक्टर क्यों नहीं बदली करे, क्योंकि डॉक्टर का कमीशन मिला था, डॉक्टर बोला था हाँ मेरे पास भेजो, मैं 10 सिप तोड़ता तोड़ के तुमको देता, एक मैं रफ अंदाज से समझा के बोला, आपको समझ रहे बात को आप, यानी मुसलमानों को हमारे पास लाओ, तुमको MLC, तुमको राज्यसभा मेंबर, तुमको मुख्तलिफ कमीशन मंडल का चेयरमैन, लाल बत्ती और समाज को अलग बत्ती, ये मामला चढ़ा था, समझ रहे आप, अपने डॉक्टर के पास जाओ कमीशन मिला, जैसे आज देखते हम कि मेडिकल वाले अक्सर कमीशन लेते, ऐसे आरोप लगते, मैंने तो आंखों से नहीं देखा लेकिन सुना, सुनने की बुनियाद पर बोल रहा, ऐसा हमारा चढ़ रहा था, तो हमने डॉक्टर बदली नहीं करे, और जो दुश्मन था हमने उसको कभी दोस्त बनाने की कोशिश भी नहीं करे। कभी मुसलमान लीडरों ने ये नहीं बोले चलो भाजपा से हम बातचीत करते, कभी कोशिश नहीं करे, क्यों, क्योंकि ये सबसे बड़े एजेंट थे, ये सबसे बड़े दलाल थे मुसलमानों के, अगर 100 मुल्क में लीडर थे तो उसमें 5-10 मुसलमान अच्छे लीडर थे जो आज भी हमेशा रहेंगे, हर शहर में पाए जाते अच्छे मुसलमान लीडर, ऐसे नहीं है कि नहीं ख़त्म हो गए, है अच्छे लोग आज भी है, शहर में है, खेड़े में है, सिटी में, हर जगह है, लेकिन उनकी तादाद कम है, कम भी है, उनकी बात सुनी भी नहीं जाती, फिर आप अच्छे हो के नहीं हो के मतलब भी नहीं आता ना, ये कड़वा सच है। आप कड़ू गोलियाँ खाना सीखो, आप कड़ू, ये मीठा मीठे के चक्कर में क्या होगा, हमको शुगर होगी, TB होगी, कैंसर हो गया, अल्लाह मेरे पास टाइम आ गया, अब तो इलाज कराओ,
कहने का मतलब क्या, मैं वीडियो में इसलिए बना रहा कि नाम मुझे बदली हो रहे ना, अपने खुद बोलना क्या है साहब, करो बोलना, करो करो बोलना करो, पूरे हिंदुस्तान नाम बदली करो, सब करो। अब अगर मैं आप रोशनगढ़ में रहता, पूरे मुसलमान यहाँ का नाम तो बदली नहीं कर सकते, समझ रहे बात को आप, जहाँ मिली जुली आबादी है 70% समझो हमारे हिंदू भाई रहते, 30% मुसलमान रहते, बोलेंगे नहीं हमारी आबादी ज़्यादा है, हमारी बोले तो हिंदू भाइयों की, उनकी इच्छा है, उनकी ख्वाहिश है कि हमारा वार्ड का नाम बदली जाए। अब पुराने ज़माने में था उसका नाम करीम नगर, अभी इसका नाम रख रहे मतलब पावर नगर, सुरेश नगर, मिसाल जैसा। करो बोलना भाई करो, अल्लाह तुमको नेक हिदायत दे, करो बोलना भाई, लेकिन ख़बरदार बोलना भाई। हम लोकशाही माध्यम से पूरी ताकत के साथ अब हम हमारे शरीयत के इसमें जो मैंने आपको बताया, अब इससे मदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। आपको क्या बदली करना है करो, और बदली कर रहे भी बोलना भाई, तो जो हमको एक सिक्योरिटी है, जो हमको एक सिक्योरिटी, हमको सिक्योरिटी फराम कर दीजिए। जैसा जब जब देश आज़ाद हो रहा था तो हमारे बिछड़ी जाति हैं, दलित समाज के लोग हैं, जो भी है, तो आरक्षण बाबा साहब ने लिख के गए थे कि ये आरक्षण, ये आरक्षण, ये आरक्षण, ये आरक्षण। बोलना बाबा तुमको क्या करना है करो, जैसा उनको आरक्षण दिए थे हमको भी आरक्षण में दे दो, कि भाई हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, हम क्या क्या बदली करेंगे, मगर तुम्हारी दरगाह पे, खानखाह पे, कुरान पे, मस्जिद पे, इस पर हम आज नहीं आने देंगे, और चल अंदर चक्री, तुम भी खुश हम भी खुश, ये है कड़वा सच, अभी आपको हजम नहीं होगा। अरे बोलेंगे अंदाजा पागल तीन होंगे, अरे मगर यही सच है, सच तो यही है, और ये सच आज का नहीं है, ये सच 75 साल से सच था। ये हल्लू 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 आगे बढ़ रहे थे, लेकिन क्या मामला चढ़ा था, मीठी गोली दे रहे गोली, अब खिलाने वाला मुसलमान, खाने वाला मुसलमान, अब खारे अंसारी साहब, पंजा साहब बोले यार उस्मान भाई खिला रहे मेरे को, उस्मान भाई तो मेरे दोस्त है, और उस्मान भाई तेरे पीठ में गुआ, मैं एग्जांपल दे रहा आप, तो राजनीतिक पार्टी ने ऐसे करे, जो बड़े बड़े मुसलमान नेता थे, मुसलमानों ने उसके खंजर घोपे, इसमें उनकी गलती नहीं है, सरकार की कोई गलती नहीं है, सेकुलर पार्टी की भी कोई गलती नहीं है। अगर हमारे लोग हमारे समाज को बेचने का काम करेंगे, होलसेल में बेचने का काम करेंगे, तो कौन से मुँह से आप कांग्रेस को बुरा बोलेंगे, कौन से मुँह से आप राष्ट्रवादी को बुरा बोलेंगे, और कौन से मुझे शिवसेना बुरा बोलेंगे, हमारी कोई दुश्मन नहीं है। अगर कोई दुश्मन है तो हम खुद हमारे आपके दुश्मन हैं, और हमारी क़यादतें दुश्मन हैं, जो हमारा होलसेल में सौदा करती, कभी सामने आके करती, कभी पर्दे के पीछे आके करती, कभी ऐसा गुआ देते क्या कानों कान खबर नहीं होती, उधर कान के पास से गोली गई, ऐसा गुआ देते समझ भी नहीं आता, 10 साल के बाद पता चलता, अरे यार ऐसा लफड़ा था क्या वो, जब ही आओ ऐसा बोला था यार, आपको समझे नहीं यार, 10 साल के बाद ऐसा बोलते, आप कब तक झकोले में रहते, आप कब तक झकोले में रहते, आप दिल दुखता है साहब, दिल दुखता है। अब कोई रास्ता नहीं है, क्यों, अब एक ही मिसाल लो समझने के वास्ते, एक मिसाल दे रहा मैं आपको, कि जब औरंगाबाद का नाम तब्दील हो रहा था, अब वो जो भी था, अब वो बड़े आखिरी कैबिनेट थी, ये नहीं थी, बॉम्बे थी, सारी फालतू जाते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे सबका हाथ था ना, तो ये समझने के लिए काफ़ी है कि देखो भाई सब एक जैसी है, फर्क इतना है कोई अदब के दायरे में मार रहा और कोई आगे सन कर कनपट्टी मार दे रहा, फर्क इतना है, कोई बिठा के मार रहा, कोई पानी पिला के मार रहा, कोई पानी पिला के मार रहा, और कोई क्या बड़ा, बस काय का पानी दे सल्ला, मतलब राजनीतिक बोड़ा, झगड़े लफड़े की बात नहीं कर रहा मैं, कहने का मतलब क्या है, अब वक्त आ गया है मुसलमानों को बड़ा दिल कर, बड़ा दिल कर, जो हमारी हिंदुत्ववादी तंजीमें हैं उसमें RSS है, बजरंग दल है, भाजपा है, शिवसेना है, हमारे तमाम जो बड़े जिम्मेदार हैं ना, उसे खुल के डायलॉग करो, आप खुल के, हो सकता है खुल के बात करेंगे ना तो सिलसिला बंद हो जाएंगे, नक्कर बोलेंगे अब जो नाम बदली कर दी, अब रुक जाओ, क्यों, कि मुसलमान हमसे हाथ मिला लिए, वो ये चाहते हैं तुम हमारे साथ में आ जाओ, और तुम उसके बदले में अपनी वो करो ना, अरे सौदे करो भाई सौदे, कि हम तुम्हारे साथ में आते हैं, हमारा ये मुद्दा है, बाद में ये मामले होने नहीं, इन नामों के लोचे होना नहीं, हमारी शरीयत पे उस पर हमले होना नहीं, मस्जिदों के मामले चढ़े, ज्ञान वापी क्या है ये हिसाब से तुम सॉल्व कर लो, सॉर्ट आउट कर लो, कि मुसलमानों को तकलीफ ना हो, ऐसा बीच का रास्ता निकालो और बात को ख़त्म करो, और यहाँ से आज के बाद हिंदुस्तान में सिर्फ विकास की बात करो, सौदे करो ना, अब तुम बड़े दुश्मन है, अरे कैसे दुश्मन है, अरे मुख्यमंत्री बन रहे, वो प्रधानमंत्री बन रहे, वो और बहुमत में आने वाले, तड़जोड़ में आने वाले, नहीं जम रहा तो फिर वो पेपर में आप पढ़ रहे CD ED BD क्या क्या मामला चढ़ रहा, कुछ नहीं कर सकते तुम, कुछ भी नहीं कर सकते। और जो सेकुलर पार्टी के दम पे भरोसा मुसलमान चल रहा था, सबसे बड़ा धोखा अगर मुसलमान मिला तो वहाँ से मिला, अरे जो तुम्हारे साथ में खा रहा बैठ रहा सो रहा उठ रहा, वो तुमको गुआ दे रहा, वो तुमको धोखा दे रहा, तो बचता क्या,
बचता क्या। मिसाल है ना, अगर पेट की औलाद इसको बड़े से छोटे से बड़ा कर रहे, वो जवानी में शादी के बाद वो बेटा माँ बाप को अगर हकाल दे तो क्या बचता फिर। अब समझ रहे बात को आप। कहने का मतलब क्या है कि अब वक्त आ गया है कि मुसलमान, अब जो हिंदुत्ववादी हमारी तंजीमें हैं, इसको बुरा मत समझो आप, इनको दुश्मन मत समझो आप, सब एक जैसे हैं। ये जहन माना कि चलो हिंदुस्तान में हमारा कोई दुश्मन नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, और नए अजायम के साथ नए सिरे से इतना बड़ा पत्थर दिल पर रखकर बीजेपी वाले है, आरएसएस वाले है, बजरंग दल वाले, इनसे बात करो और बावकार तरीके से बात करो। गुच्छुप नहीं पर्दे के पीछे टेबल के नीचे ऐसी बात मत करो, खुल के बात करो। मुल्ला साहब, हिंदुस्तान का सलमान आपके पीछे चलने को तैयार है। हम जिम्मेदार है, जो भी है समाज के ठेकेदार है, जिम्मेदार है या सरबरा है, हम हमारे समाज को जाके बोलते, लेकिन हमारी शर्तें हैं, शर्तें सामने रखो और डंके के छोटे बोलो और चलो। क्योंकि जो देश में सुपर पावर में है उनको आप खेट ही नहीं सकते आप। अरे इस पर अंदाज लगा लो, जो बाला साहब ठाकरे उधर ठाकरे, जिसकी महाराष्ट्र में तोती बोलती थी, किसकी मजान लेती थी कि बाला साहब ठाकरे के बारे विरुद्ध में कुछ बोले, और कुछ बोलते थे तो दंगी भी हो जाते थे, हालात गर्म हो जाते थे। आज से 30-35 साल पहले इतना दबदबा था साहब का पूरे महाराष्ट्र में, आज उनका नाम निशान क्या क्या सब गायब कर दिए, तो हमारी क्या हैसियत। तो कहने का मतलब क्या है कि सियासी तौर पर हमको सबके साथ चलना पड़ेगा, सबको दोस्त बनाना पड़ेगा। आज जो बीच में हमारे एजेंट काम कर रहे, नहीं वो दुश्मन है, बीजेपी तुम्हारी दुश्मन है, शिवसेना तुम्हारी दुश्मन है, आरएसएस तुम्हारी दुश्मन है, तो समझ जाना कि ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अरे तुम मिलन क्यों नहीं दे रहे मुसलमानों को, उनसे बातचीत क्यों नहीं करन दे रहे, क्यों नहीं करन दे रहे? अरे हमारे देश के नागरिक है ना, बीजेपी पार्टी है, आरएस पार्टी है, ये क्या अफगानिस्तान की अलकायदा पार्टी है क्या, ये क्या पाकिस्तान की जमात है, ये क्यों मुसलमान घुमरा कर रहे भाई? अरे बात करो, खुल के बात करो। हाँ तुम अगर नाकाम होते तो बोल दो समाज को आके, कौम को आके अंदर कि देखो भाई हमने तो मोहन भागवत साहब से बात करे, अमित शाह से बात करे और खुल के डायलॉग करे कि भाई हमारा ऐसे ऐसे मसले, अब वो नहीं मान रहे इसलिए हम पीछे आ गए। अल्लाह है फिर नियतों को देखने वाला, और अल्लाह रास्ते बनाने वाला। अरे इस्लाम की तारीख भी तो पढ़ो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में यहूदियों से बातचीत नहीं हुई, उनसे माहिदे नहीं हुए। बहुत लंबी तारीख है, वो 4-5 घंटे लग जाएंगे समझाने के वास्ते। तो हमको देखना पड़ेगा ना, अगर भाई हिकमत के साथ कोई माहिदे के साथ, हज़ारों मुसलमानों की जान का मसला है, लाखों मुसलमानों की हमारी बेटियों की अजमत का मामला है, उनके विकास का मसला है, हमारी इबादत गाँव के तहफ़ुज़ का मसला है, अगर वो उनसे अगर हम कुछ हाथ बढ़ाते हैं, कुछ बीच का रास्ता निकलता है अच्छे अंदाज से, बाविखर अंदाज से, करने बुरी बात क्या है? क्योंकि हम जिसको सेकुलर समझ रहे बाद में हमको गुआ दे रहे हो। 75 साल में यही हुआ, अब बाद में लोकसभा इलेक्शन आ जाएंगे, फिर बाद में बोलेंगे नहीं, बाद में और नहीं पेपर में हिट लेंगे, फला लीडर जो था बीजेपी में चलेगा। कई को कह रहे बाबा तू नहीं बोले, मैंने मोदी जी के विकास के काम को देखा, मैं उनके काम से प्रभावित हुआ और मेरी अंतरात्मा बोली कि मोदी जी के साथ जाना चाहिए, चले गए। क्या कर लेते हैं उसका, कोई सेकुलर लीडर अगर बीजकाल को बीजेपी चलेगा लोकसभा के बाद क्या कर लेंगे? हाथ पकड़ के बैठो, समझ रहे ना बात को आप? तो ऐसा लफड़ा है, फिर कई को फिर जिंदाबाद मुर्दाबाद, आगे बढ़ो पीछे बढ़ो और बाद में खरोस्तान चल रहा, किसके बाप ने सिखाया? मुसलमानों जागो, मैं बहुत कड़ी बात कर रहा हूँ, देखो ये हजम नहीं होंगे आपको, मुझे यकीन है कि आप हजम नहीं होंगे, लेकिन जिसको हजम नहीं हो रही या जो मुझे गलत निगाह से देख रहे, तो मैं उनको सवाल कर रहा हूँ, मुझे कमेंट में जवाब दीजिए। 75 साल में जो हमारा बांध काम हुआ, इसको क्या बोलेंगे? अगर मैं ये गलत सुझाव दे रहा हूँ तो फिर 75 साल में जो नुकसान हुआ, जो तबाही हुई, जो बर्बादी हुई, और हमारे लोगों ने इसमें, हमारे लीडरों का उसमें हाथ था ज़्यादातर, उसको क्या बोलेंगे? उन्होंने तो काम बता के निकल गए, मैं तो खाली राय दे रहा। राय भी क्या दे रहा, मैं दोस्ती करो की राय दे रहा, ये राय नहीं दे रहा नौज बिल्ला कि मस्जिद हवाले कर दो, कि खालिस्तान छोड़ दो, मेरा नाम रियाज अंसारी है, अब मैं कल नाम रखता हरी मेरा नाम रखता हरीश कुमार, मैं भी हिंदू बन जाता, ये बात नहीं कर रहा मैं।
मैं ये बात कर रहा कि इस मुल्क में अगर हिंदुत्ववादी तंजीमें पार्टियाँ अगर बरसर इकतदार में है, हर जगह छाए हुए है, तो उनसे हम दोस्ती का हाथ बढ़ाओ और खुल के बढ़ाओ। कोई शिर्क नहीं हो जा रहा, नौज बिल्ला इस्लाम से खारिज नहीं हो जा रहे। मत डंके की चोट पे जाओ, अल्लाह से दुआ करके जाओ, दो रकात नमाज़ पढ़ के जाओ। ए अल्लाह, हम उसके पास जा रहे हैं, उसके दिल में रहम डाल कि हमारे मामलात को वो सुन ले। अल्लाह दिलों को पलटाने वाला है। हमारी कोई अकाउत नहीं, हमारी कोई हैसियत नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि ये नाम के वास्ते पूरे महाराष्ट्र में राजनीति चढ़ी। हमारा मौलाना आजाद फाइनेंस वर्क बोर्ड बंद हो गया, बंद आप पेपर में पढ़ा। उसके ऊपर कोई मुसलमान लीडर ने आवाज़ नहीं उठाया कि बंद क्यों हो गया, कि धरने निकाला, कि मोर्चा निकाला, कि कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में गया, कि सुप्रीम कोर्ट में गया। कोई भी कोर्ट में नहीं गया, ना हाई कोर्ट में गया, ना सुप्रीम कोर्ट में गया कि हमारे कि सरकार को बोले, सुप्रीम कोर्ट से अपील करे कि साहब सरकार को पाबंद करो, ये हमारे साथ जुल्म इंसाफ है, हमको इंसाफ दो। कोई भी नहीं गया। क्यों नहीं गए भाई आप, क्यों नहीं गए? नाम बदली होगा चले गए कोर्ट में, फला का नाम बदली होगा चले गए कोर्ट में। अरे जान दो ना भाई, मैंने आपको मिसाल दिया ना, अब किसी आदमी को बच्चे नहीं हो रहे। अब उन्हें क्या करता, आज के मारे एक आधी बच्चा गोद ले लेता। अब लेन दो ना, दुनिया को मालूम पता ना बच्चा किसका है बोल के, लेन दो। आप क्या करते, उसको भी बोलन दो, उसको भी होना ना को अब्बा बोलने वाला, जान दो। आप क्या कर सकते? कहने का मतलब क्या है कि उसको बुरा बोलना मकसद नहीं है। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, और ये बात खाली मुसलमानों से कह रहा हूँ मैं, कि आप जागो। और जो हमारे जो वक्फ बोर्ड का मसला है महाराष्ट्र में, रिपोर्ट आ रही है कि मुसलमानों का विकास में छुपा हुआ है, लेकिन कोई मुसलमान कोर्ट में जा रहा नहीं, हाई कोर्ट में जा रहा नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जा रहा नहीं। लाखों मुसलमानों का उसमें विकास छुपा हुआ है, लेकिन नहीं जा रहे। तो ये कैसी कौम परस्ती है? ये कैसे मुसलमानों से वफादारी है? कैसी है, मेरा सवाल है मेरा, कि कोर्ट में जा नहीं सकते तुम, हाई कोर्ट के अंदर जा नहीं सकते, सुप्रीम जा नहीं सकते, पर सबूतों के साथ क्यों नहीं जा रहे? क्यों नहीं जा रहे? एक नाम के वास्ते जा रहे आप? देखिए, आपसे बदगुमानी नहीं है, अल्लाह आपको अजर दे, आपसे शिकायत नहीं है। लेकिन सवाल है ना तमाम मुसलमान उस लीडर से, जो चौराहे पे आके, नुक्कड़ पे आके भाषण में बोले, तो वक्फ बोर्ड बर्बाद हो रहा। यहाँ क्यों खड़े नहीं हो रहे? वक्फ बोर्ड में क्यों खड़े नहीं हो रहे? मौलाना फाइनेंस साहब को जो तो मंडल पैसे मतलब बराबर मिल रहे हैं, उनकी शरत उसकी शर्तें सख्त है, गरीब मुसलमानों को फ़ायदा नहीं हो रहा, उसके वजह से कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे? कि हुकूमत को पाबंद करो, हुकूमत से बोलने लगाओ कोर्ट के जरिए कि भाई गरीब मुसलमान कहाँ से लेंगे गारंटर फैरंटर, वहाँ कोर्ट में नहीं जाते। बस उसने कुछ इस्लाम के बारे में बोल दिया रोड पे दन का, मस्जिद के बारे में कुछ बोल दिया रोड पे दन का, और कुछ होने जाने वाला नहीं, और कुछ मिलने वाला नहीं। और जहाँ मिल रहा, जहाँ मिलने वाला है, तो वहाँ कोई कोर्ट में जा रहा ना, कोई धरने लिखा रहा ना, मोर्चे ले रहा ना, लोकशाही माध्यम से जेल में जा रहा, कुछ भी नहीं। सिर्फ नारे तकबीर अल्लाह अकबर, सिर्फ बुरखे का मसला है रोड पे, मस्जिद का मीनार टूटा रोड पे, ये रोड पे नफरत की राजनीति कब तक, ये तंग नजरी की राजनीति कब तक? अब वक्त आ गया है कि देश का मुसलमान और तमाम बड़ी बड़ी ये बड़े संगठन के लोग, अब कोई हमारा दुश्मन नहीं है, जैन में बिठा लो, कोई हमारा दुश्मन नहीं है। जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन था 75 साल में हम सर पे बिठाए, जिंदाबाद मुर्दाबाद। और नीचे से हमारा बांध काम इतना बांध काम कि सेक्टर कमेटी की रिपोर्ट आ गई कि तुम इस देश के पिछड़े हुए लोगों से बदतर हो गए हो। मैं नहीं कह रहा हूँ, रिपोर्ट कह रही है। और फिर क्या बड़े जिंदाबाद। अरे कौन सी भंग पी ली तुमने, वट के बात करो बल्ला साहब। आप जो हो गया वो हो गया, बर्दाश्त नहीं करेंगे आप। हमें इंसाफ चाहिए, हमें बोल बचन नहीं चाहिए, हमको झूठा आश्वासन नहीं चाहिए। जो दस्तूर में हमको जो दीवा है, जो कानून ने हमें दीवा है, अधिकार दीवा है, हमको होना और हमको चाहिए और हमको देना पड़ेगा। ऐसी बात करो। कहने का मतलब क्या है कि मुसलमान पूरे देश के अंदर एक जैन बना के चलो, हमारा कोई दुश्मन नहीं है। ये दुश्मनी की जो लकीर थी सिकलिज्म और फिरका परस्त, यहाँ से मुसलमानों को बहुत शदीद नुकसान पहुँचा है। अगर जो जिसको आप बोलते हैं ना, अरे एक पुरानी कहावत है कि चोर के हाथ में तिजोरी चाबी दे दो, बोले खुद चोरी नहीं होती। एक मिसाल जैसा मजाही तौर से है वो, समझ रहे बात को आप? अरे आप जिसको दुश्मन समझ रहे उससे खुल के बातचीत करो, कानून के दायरे में रह के करो, शरीयत के दायरे में रह के करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वो हमारे मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, आमदार बनने वाले हैं, खासदार बनने वाले हैं, महापौर बनने वाले हैं, नीचे से ऊपर तक वो वही बैठने वाले हैं। अगर तुम उनसे दुश्मनी करेंगे तो अपने बाप को कुछ मिलने वाला नहीं है।
और फिर क्या बोले, हमारे वार्ड में 15 दिन के बाद पानी आ रहा, आएंगा ना पानी, 15 दिन पानी आएंगा ना, आएंगा ना। तुम अपना जज्बात नहीं बोल बचन में, किधर किधर भी अंकिसान कुछ बोलो, कानून फ्रेम मेरे क्या काम होता ना, कैसा काम होता, पाइपलाइन फूट गई, अब कहाँ से पानी आता, अब फूट गई पाइपलाइन पानी, टाइम लगता उसको 10 दिन का, अब क्या करते आप, आप मुसलमान और क्या 1000 साल हुकूमत करे, और वो कौम को इतना शौर नहीं है कि हमारे देश के अंदर जो ताकतवर पार्टी है उससे हम दोस्ताना ताल्लुकात की पहल करें। अगर हम ये सलाहियत में अगर नाकाम है तो सवाल तो उठता है ना साहब, 1000 साल कैसी हुकूमत करे फिर आपने, और शान से बड़े कि हम उनके वंश है और हम एक बीजेपी इनसे दोस्ताना कायम नहीं कर सकते। अरे बढ़ो ना आगे, डग्गे के छोटे बड़े साहब हमारे मसले हैं, हम तुम्हारे साथ में हैं, अपने विकार के साथ तशक्कुस के साथ करो। अब आप बोलेंगे नहीं उनके अंदर से नियत अलग हिंदू राष्ट्र, अरे बना दो हिंदू राष्ट्र बन गया ये, खाली ये बोलो साहब सब हो गया, लेकिन अब हमारा क्या है देखो, हाँ चलन दो, तुम भी आराम से चलो हम भी आराम से चलते, बात खत्म हो गई, बस यही बात करो आप, ये सब फालतू बात है, सेकुलरिज्म रामू कर ढमू कर ये और वो सब फालतू बात है। हमारे देश के 100 करोड़ हमारे हिंदू भाइयों के दिल में हम मोहब्बत कैसा पैदा कर सकते, उनका दिल कैसा जीत सकते, और दिल क्या जीतना है एक ही बात है, उनको सर पे बिठाओ, उनको वोट दो, अपना हिस्सेदारी लो और चलते फिरते नजर आओ, बात ख़त्म हो गई। बोला चला माफ़, किसको तनखीद करना मकसद नहीं था, कुछ बातें कड़वी थी लेकिन वो सिर्फ समझाने के नज़रिए से थी, किस पर केशव छलना मकसद नहीं था। उम्मीद करते हैं कि मुसलमान इस मेरी बात को जो बहुत कड़ू थी समझ में नहीं आएंगी, लेकिन बार बार से आपको सुनना पड़ेगा, गहराई में जाना पड़ेगा, माजी को टटोलना पड़ेगा, शायद आपकी मेरी कड़वी बात समझ में आ जाए। इसी बात के साथ आपसे अलविदा होता हूँ, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू, देखते रहिए आप SDM News चैनल, जय हिंद जय महाराष्ट्र।